बड़ी खबर आ रही है औरैया से, जनपद में हुई दिल दहला देने वाली घटना। एक साल की दलित बच्ची के साथ रेप, बच्ची की हालत नाजुक हालत में सैफई किया गया रेफर। महादेव ईट भट्टा पर हुआ रेप, भट्टा मालिक ने मामले को दबाने का किया प्रयास, चुपचाप इलाज करा रहा था महादेव भट्टा मालिक, पुलिस से छिपाकर बच्ची का इलाज करा रहा था महादेव भट्टा मालिक। चिचौली जिला अस्पताल में कराया जा रहा था चुपचाप इलाज, अस्पताल ने भी मामला छिपाया, पुलिस को नहीं दी गई सूचना। चिचौली अस्पताल से सैफई किया गया रेफर, पुलिस को मुखबिर ने दी सूचना। सूचना पर पुलिस कप्तान व अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी ने SHO औरैया सहित घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली क्षेत्र के भरतपुर स्थित महादेव भट्टा का मामला। बड़ी और अहम खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रहा है औरैया से, जहां एक साल की दलित बच्ची के साथ रेप की घटना घटित हुई है। बच्ची की हालत नाजुक है और नाजुक हालत में सैफई रेफर किया गया है। आज एक मामला हुआ है बच्ची के साथ, क्या मामला है? थाना क्षेत्र कोतवाली में कल देर रात्रि में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नन्ही एक वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना कार्य की गई है। तत्काल पुलिस द्वारा जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है, जो हमारी अन्य एविडेंस कलेक्ट करने वाली यूनिट्स हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसमें मौका मुआयना किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कराया गया और तत्परता दिखाते हुए जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। हमारा आगे ये उद्देश्य है कि इस केस को जल्दी से जल्द साक्ष्यों के आधार पर हम लोग निस्तारित करें और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए जो दोषी है उसको सजा दिलाने का हम लोग प्रयास। अच्छा मैम, जहाँ ये घटना हुई है, भट्टा मालिक ने लगातार जो है पुलिस से जो है इस घटना को छिपाया है, उसके खिलाफ अब कोई कार्रवाई की गई? देखिए, ये घटना संज्ञान में कल रात्रि में आई है और रात्रि में संज्ञान में आते ही तत्काल इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। जो अन्य बिंदु हैं वो जरूर विवेचना में सम्मिलित किए जाएंगे और जो भी उसके क्रम में साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक जानकारी सामने आ रही है कि परिजन जो है ना बच्ची को ससैया अस्पताल में ले गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने प्रॉपर ट्रीट नहीं किया। देखिए, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है अस्पताल का वो ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति सीरियस होता है तो उसको रेफर किया जाता है। तो बच्ची जो है वो इस समय सैफई में इलाजरत है और बच्ची की हालत स्थिर है और वो छोटी बच्ची है, हंस खेल रही है और उसके परिजनों से लगातार हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा है। उसकी मदद के लिए, परिवार की मदद के लिए हमारे द्वारा एक SI और महिला कांस्टेबल्स भी उनके साथ में भेजी गई हैं और लगातार हम लोग मानसिक रूप से उनको और हर प्रकार से मदद मुहैया कराई जा रही है हमारे द्वारा।